नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द स्टडी लाइन में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रमुख राष्ट्रीय दल, जो भी राष्ट्र स्तर के राष्ट्रीय दल हैं उनका नाम देखेंगे, साथ ही उस राष्ट्रीय दल का जो प्रतीक है उसका भी देखेंगे नाम, और उस राष्ट्रीय दल का अध्यक्ष कौन है उसके बारे में भी जानेंगे। यहाँ से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यह वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ कि सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे, जो हम लोग पढ़ेंगे वो राष्ट्रीय दल होगा, और बीच में जो पढ़ेंगे ब्लैक कलर का वो प्रतीक होगा, उस दल का प्रतीक होगा, जो भी राष्ट्रीय दल है उसका प्रतीक होगा, और ब्लू कलर में जो हम लोग देखेंगे, जो भी पढ़ेंगे वो हो जाएगा आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएगा, यानी कि उस दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो इसका जो चुनाव चिन्ह हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हाथ, जिसको पंजा बोलते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको पंजा देखे कहीं ऑप्शन में तो आपको जो पंजा भी टिक करना है, ठीक है, हाथ छोड़ के, यानी कि हाथ अगर नहीं रहेगा तो आपको पंजा टिक करना है, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह हो गया वो हाथ हो गया, अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष है वो है राहुल गांधी, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष राहुल गांधी है। चलिए अगला है भारतीय जनता पार्टी, यानी कि बीजेपी, तो भारतीय जनता पार्टी का जो है अध्यक्ष हो जाएगा अमित शाह हो जाएगा, और इसका जो चुनाव चिन्ह हो जाएगा कमल हो जाएगा, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह हो जाएगा वो हो जाएगा कमल, और उनका जो अध्यक्ष हो जाएगा वो हो जाएगा अमित शाह, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो चुनाव चिन्ह हो जाएगा वो हो जाएगा बाल और हसिया, ठीक है, बाल और हसिया, और अध्यक्ष हो जाएगा सुवावरम सुधाकर रेड्डी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो अध्यक्ष हो जाएगा सुवावरम सुधाकर रेड्डी, और प्रतीक चिन्ह यानी चुनाव चिन्ह हो जाएगा बाल और हसिया, ठीक है। चलिए अगला, फ्रेंड्स मैं जो यह वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि आपको जो एग्ज़ाम में एक भी नंबर यहाँ से छूटे ना, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, अभी हाल फिलहाल हुए ग्रुप डी के एग्ज़ाम में बहुत बार ये पूछा गया है, तो इसलिए मैं आपको करा देता हूँ ताकि आपको RPF में जो है ईजी लगे। अगला आपका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि मार्क्सवादी, इसका जो चुनाव चिन्ह है हथौड़ा हसिया और सितारा है, ठीक है, हथौड़ा हसिया और सितारा जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी का चुनाव चिन्ह है, और इसका जो अध्यक्ष है सीताराम येचुरी है, ठीक है, सीताराम येचुरी जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला आपका बहुजन समाज पार्टी, ठीक है, बहुजन समाज पार्टी का अध्यक्ष है आपका मायावती जी है, और बहुजन समाज पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो है हाथी, असम राज्य को छोड़ के देना है, ठीक है फ्रेंड्स, असम राज्य को छोड़ कर जो है बहुजन समाज पार्टी का जो अध्यक्ष है वो मायावती है, और उसका जो चुनाव चिन्ह है वो है हाथी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अगला है आपका राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ठीक है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो हो जाएगा घड़ी, और इसका जो अध्यक्ष हो जाएगा वो हो जाएगा शरद पवार, ठीक है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन है तो शरद पवार है, शरद पवार राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष है, चुनाव चिन्ह घड़ी हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला और अंतिम है फ्रेंड्स कि सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी, एक बार फिर से सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो हो जाएगा आपका फूल और घास, ठीक है, फूल और घास, और इसका जो अध्यक्ष हो जाएगा ममता बनर्जी, ठीक है, सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी का जो अध्यक्ष है ममता बनर्जी है, और चुनाव चिन्ह हो जाएगा फूल और घास, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने जो आपको जो राष्ट्र के स्तर पर जो भी देश के स्तर पर राजनीतिक दल था मैंने आपको जो है वीडियो इस वीडियो में करा दिया। फ्रेंड्स उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, फ्रेंड्स एक लाइक तो ज़रूर बनता है फ्रेंड्स, साथ ही अगर वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, दिल में अगर टच हुआ होगा तो ज़रूर इस वीडियो को आप शेयर करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय। आपको जल्द ही अन्य राजनीतिक पार्टी जो प्रदेश जो क्षेत्रीय स्तर पर है उसका भी नाम कराया जाएगा, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।